हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो श्वेता रंजन जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे मिखाइल टाल के काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो उन्होंने रॉबर्ट टोरन एल बिरो के साथ खेली थी। 1961 का ये टूर्नामेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले हम इस गेम पर आगे बढ़े, मैं आप लोगों से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कभी भी लाइव चेस को शुरू नहीं किया है, ना ही मैं ज़्यादा ऑनलाइन चेस गेम्स को खेल पाता हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैंने अश्विन जी के साथ कुछ लाइव चेस वीडियोस बनाई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे लाइव चेस वीडियोस उन लोगों के साथ बनाने चाहिए जिनके साथ मैंने ये सफ़र शुरू किया था अपने इस चेस ग्रुप परिवार का, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे अपना पूरा चेस ग्रुप परिवार। तो मैं आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हफ्ते में कम से कम एक दिन हम लोग कुछ लाइव गेम्स खेलने का प्लान बनाते हैं, उसके ऊपर लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं। जिन लोगों के नाम श्वेता रंजन जी, लालू बहालिया, अंशुल वर्मा, आमिर मोटिवेशन और ना जाने कितने लोग हैं, जो लोग जिन लोगों के मैं नाम लेता हूँ, जिन लोगों के आप नाम पढ़ते होंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन वे लोग कभी यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पाए हैं। तो उन लोगों के लिए मौका है कि आप और हम सब लोग इस लाइव इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर ये हमारा प्रोग्राम कामयाब रहता है तो हम कोशिश करेंगे, हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि कम से कम हफ्ते में एक बार तो हम लाइव गेम्स खेल सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग lichess.org पर इन गेम्स को खेलें, और आप लोगों की तरफ से दो रिक्वायरमेंट्स ये रहेंगे कि अगर वेबकैम आपके पास होगा तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, स्काइपी पर हम लोग कांटेक्ट करेंगे, और स्काइपी का जो मेरा कांटेक्ट एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, और उसके बाद कम से कम एक लाइव वीडियो में 3 या 4 लोगों के साथ मैं चेस खेलने की कोशिश करूँगा उस लाइव स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स, चलिए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की रोमन टॉरन अल्बेरो ने इंग्लिश ओपनिंग यानी C4 के साथ। तो E5 यहाँ मिखाइल टाल ने किया, नाइट C3, देन D6, G4, F5, देन D4, E4, F3। काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम यहाँ मिखाइल टाल खेल रहे हैं। नाइट F6 स्क्वायर पर पहले यहाँ ब्लैक ने लिया, देन बिशप G2 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से तो काफ़ी समय हो चुका था। यहाँ इस E5 F3 स्क्वायर पर कुछ ना कुछ मेटल एक्सचेंज करना ही होगा यहाँ मिखाइल टाल को। तो E takes F3, यहाँ ऑब्वियस मूव बनता है ब्लैक का, Nxf3 तो G6। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि ये G6 करके कहीं ना कहीं ब्लैक ने अपने किंग साइड सेफ्टी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। शायद ये बिशप E7 स्क्वायर पर आ सकता था, लेकिन मिखाइल टाल ने बेटर मूव चूज़ किया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्होंने यहाँ G6 ऑप्ट किया था। और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया, बिशप G7, देन E4, Ftxe4, नाइट G5 स्क्वायर पर, यहाँ टेम्परेरी पॉन गेन कह सकते हैं ब्लैक को मिला है, और कोई भी तरीका नहीं है ब्लैक के पास कम से कम वो इस पॉन का फिलहाल डिफेंड करने का। तो मिखाइल टाल ने यहाँ फिलहाल कैसल किया, Nxe4, Nxe4, देन Rxf8 चेक, Qxf8, Nxe4, सारा मेटल एक्सचेंज काफ़ी अच्छा, काफ़ी इक्वल रहा है। और उसके बाद Nxe6 जब यहाँ मिखाइल टाल ने किया, इट मीन्स यहाँ एक काफ़ी स्ट्रांग अटैक आप देख सकते हैं कि इधर D4 स्क्वायर पर बन रहा है। देन बिशप E3, यहाँ वाइट को करना ही पड़ा, वैसे ये पॉन भी आगे पुश हो सकता है, चलिए छोड़िए उस बात को। और फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ रोमन टोरन मिखाइल टाल की आगे की स्ट्रेटेजी को नहीं जानते थे, उन्होंने यहाँ से कुछ गलतियाँ करनी शुरू की। मिखाइल टाल ने यहाँ पहले बिशप F5 किया, और उन्होंने यहाँ देखिए कि इस बिशप पर अटैक बनाया। तो इट मीन्स क्या करना चाहिए था वाइट को, यहाँ अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि फिर नाइट ही पिन हो जाता है, तो मूव ठीक नहीं था। यहाँ ब्लैक वाइट ने सॉरी क्वीन को D2 स्क्वायर पर लिया, देन Rxe8, और ऐसा करने के बाद ये छोटी सी वीकनेस जो शायद हम लोगों को नज़र में भी नहीं आएगी, मिखाइल टाल ने उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। एक्सप्लॉयटेशन कैसे है फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए कि इस नाइट पर इधर इस E4 स्क्वायर पर डबल अटैक बन चुका है। तो इट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ डेंजर होने वाला है, नाइट हटाना ही पड़ेगा फिलहाल वाइट को। तो यहाँ जो बेस्ट मूव एज पर चेस इंजन इवन चेस प्लेयर्स के हिसाब से यहाँ है Rxf1 का, ताकि ये बिशप ही फिलहाल कुछ देर के लिए पिन हो जाए। लेकिन यहाँ भी बिशप पिन ना करके
इस पॉइंट से मिखाइल टाल ने किया, सॉरी रोमन ने किया नाइट जी फाइव, और नाइट जी फाइव करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें। और मिखाइल टाल ऐसा क्या डेंजरस मूव चल सकते हैं, वैसे अगर कोई भी टेक्टिकल प्लेयर होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। तो मिखाइल टाल ने, अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने जो मूव गैस किया है, अगर वो रूक टेक्स ई थ्री है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ बिल्कुल सही हैं। आप यहाँ देखिए कि कम से कम वाइट को ये बिशप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके हाथ से जा चुका है। और क्यों जा चुका है, कम से कम यहाँ वाइट क्वीन टेक्स ई थ्री इम्पॉसिबल है क्योंकि बिशप टेक्स डी फोर होगा और यहाँ ये क्वीन पिन हो चुकी होगी। तो दूसरी क्या ऑप्शन बचती है, अगर मैं यहाँ इस पोजिशन से, इस पॉइंट से बात करता हूँ, तो वाइट यहाँ क्या कर सकता है, वाइट यहाँ कर सकता है बिशप टेक्स ई सिक्स। ये मूव बेटर है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि रुक फिलहाल बहुत बड़े खतरे में होगा, तो क्वीन ई सेवन जैसा कोई मूव ब्लैक को करना ही होगा। देन उसके बाद बिशप डी फाइव चेक हो सकता है, किंग को फोर्सफुली मूव करना ही होगा। चलिए एच एट स्क्वायर पर अगर ये किंग मूव हो भी गया तो नाइट एफ सेवन चेक, और उसके बाद ये रिपीटेड चेक्स का सीक्वेंस, आप कहीं ना कहीं ये बार बार ब्लैक ही गेम को ड्रॉ की तरफ ले जाने के लिए फोर्स करें। तो रोमन टोरन ने भी यहाँ अच्छा इलाज निकाला, उन्होंने यहाँ इस नाइट को तो नहीं लिया लेकिन चेक जरूर दी बिशप को डी फाइव स्क्वायर पर ले जाकर। और यहाँ उन्होंने चेक ऐसे क्यों दी है, क्योंकि लास्ट सीक्वेंस में जब ये क्वीन इधर ई सेवन स्क्वायर पर थी तब एफ एट स्क्वायर एस्केपिंग स्क्वायर अवेलेबल था, तो ड्रॉ की ऑप्शन थोड़ी सी घट सकती थी वहां से। तो फिलहाल चेक है, तो अब किंग ही मूव करना होगा मिखाइल टाल को, किंग एच एट स्क्वायर पर देन नाइट एफ सेवन चेक, और यहाँ व्हाइट के पास जेन्युइन चांस है इस गेम को ड्रॉ कराने का। रिपीटेड चेक्स के बाद ये ड्रॉ हो सकती थी लेकिन मिखाइल टाल यहाँ इस गेम को ड्रॉ कराने के मूड में नहीं है। सरप्राइजिंगली उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स एफ सेवन, अनबिलीवेबल। चाहे मेरी पोजीशन कितनी भी स्ट्रांग हो, मैं कभी भी नाइट के बदले में क्वीन नहीं दे सकता बिशप टेक्स एफ सेवन। देन रुक डी थ्री स्क्वायर पर सबसे पहले यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना, और फ्रेंड्स यहाँ से मिखाइल टाल का मैजिक, आप क्या कैलकुलेशन करते हैं कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से इन मूव्स को निकाल कर लाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में बिशप यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा बिशप आ जाएगा, इसलिए देखते हैं फ्रेंड्स फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ वाइट ने किया था क्वीन ई टू, और फ्रेंड्स पहले तो निश्चित वाइट को अपनी क्वीन ही बचनी होगी, और यहाँ वाइट ने ऑलमोस्ट चेकमेट की थ्रेट आई है, ऑलमोस्ट नहीं है चेकमेट की थ्रेट ही है। तो बिशप टेक्स डी फोर चेक, किंग गया जी टू स्क्वायर पर, देन नाइट ई फाइव, और कम से कम यहाँ फर्दर कोई चेक नहीं आ पाएगी ब्लैक को। तो जैसे ही ये यह नाइट यहाँ पर आया तो वाइट को मौका मिला अपने रुक को सॉरी सेंट्रलाइज करने का, तो रुक कहाँ गया, रुक गया डी वन स्क्वायर पर आस्किंग फॉर रुक एक्शंस। लेकिन मिखाइल टाल को शायद कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह के पीसेज उनके अटैक में पहुँच चुके हैं तो क्या जरूरत उन्हें मेटल एक्सचेंज करने की। रुक गया ई थ्री स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना है, और अब ये क्वीन कहाँ जाए, क्वीन के लिए बेस्ट ऑप्शन है एफ टू स्क्वायर की। क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से यहाँ ब्लैक अपने नाइट को कभी भी एफ थ्री स्क्वायर पर नहीं ला पाएगा। जस्ट एक छोटी सी वीकनेस है, वो अभी आपको देख कर समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से चलिए अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं भी तो यहाँ ब्लैक क्या करेगा, नाइट जी फोर कर सकता है, क्वीन पर अटैक बनेगा, रुक टेक्स डी फोर हो सकता है, नाइट टेक्स एफ टू, किंग टेक्स एफ टू बेस्ट ऑप्शन होगी। और अब चलिए यहाँ मेटेरियल वाइज तो दोनों खिलाड़ी इक्वल होंगे, लेकिन पॉन्स के मामले में ब्लैक बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होगा। पर चलिए वही देखते हैं फ्रेंड्स, जो गेम में हुआ था यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने अपने क्वीन को एफ टू स्क्वायर पर रखा, लेकिन ऐसा करने से एक प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम क्या हुई है, बिशप ई फोर चेक, किंग के लिए फोर्स्ड मूव है, वो जाएगा ही जाएगा एच थ्री स्क्वायर पर, अदरवाइज यहाँ वाइट को अपने क्वीन गंवानी पड़ सकती है अगर ये किंग इधर एफ टू स्क्वायर पर पहुंचता है तो डिस्कवर्ड चेक के साथ। देन रुक एफ थ्री, और फिर दोबारा क्वीन पर अटैक बना है, क्वीन गई है ई टू स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स मैं फिर कहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, और यहाँ मिखाइल टाल ने अगला क्या मूव चला जिसकी वजह से यहाँ रोमन टोरन को रिजाइन करना पड़ा। फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ किया बिशप एफ फाइव चेक, और यहाँ इस मूव के बाद रोमन टोरन अल्बेरो को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये गेम जाएगी, अगर मान लो खैर इस किंग के जाने के लिए दो ही स्क्वायर बचते हैं, तो जी टू स्क्वायर है, एक है एच फोर स्क्वायर। चलिए इस किंग को अगर हम जी टू स्क्वायर पर प्लेस करें, किंग अगर जी टू स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद रुक एफ टू चेक होगा, क्वीन टेक्स एफ टू होगा, बिशप टेक्स एफ टू, किंग टेक्स एफ टू होगा, नाइट टेक्स एफ सेवन होगा, और यहाँ रुक के सामने ये दो बहुत स्ट्रांग पीसेस होंगे, सॉरी दो माइनर पीसेस होंगे, और पॉन्स की बात करें तो चार दो छः और पाँच, एक पॉन की लीड यहाँ ब्लैक को होगी, तो क्लियरली यहाँ बहुत अच्छे एडवांटेज में होगा। दूसरी ऑप्शन
यहाँ इस पोजीशन से इस किंग के लिए बचती है एच फोर स्क्वायर पर जाने के लिए, लेकिन उससे तो और भी स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर ये किंग एच फोर स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद रुक एफ टू ब्लैक का यही मूव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इस क्विन को ट्रैप ही होगा। अगर ये क्विन बचती है या कुछ भी होता है, मान लो अगर ये क्विन जाती है ई टू जैसे किसी स्क्वायर पर, दो नाइट एफ थ्री चेक और यहाँ ये मेट होगी। इस किंग के जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। तो इस पोजीशन के बाद आप देख सकते हैं कि व्हाइट किसी भी तरह से अपनी क्वीन को नहीं बचा पाएगा अगर ये गेम उसे आगे कंटिन्यू करनी है। और अगर एक बार व्हाइट की क्वीन ऑफ हुई तो एक पीस के एडवांटेज के साथ यहाँ ब्लैक इस गेम में खेल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये मिखाइल टाल की गेम है और एज यूजुअल इसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। मैजिक मैजिक है, रियल मैजिक है इस गेम में। काफ़ी देर से बिशप यहाँ काफ़ी देर से अटका हुआ बिना किसी डिफेंस के रखा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी पसंद आई होगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर दोबारा कहूँगा कि एक बार हम लाइव इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है। तो मैं आशा करूँगा कि मेरे स्काइपी बॉक्स पर ज़रूर कुछ ना कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगी जहाँ से हम इस लाइव स्ट्रीमिंग को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये मेरा नया विचार लाइव स्ट्रीमिंग का विद अवर व्यूअर्स जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे एज यूजुअल बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।